साहब जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं उनको नमन करते हुए दूर दराज से आए हुए हमारे विकास अधिकारी सीएलआईएस बंधु और कार्यकर्ता बंधु आपको स्वतंत्रता दिवस के बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना। मैं अपना परिचय दे दूँ, सर ने मुझे आदेशित किया है, मुझे मुकेश गुप्ता कहते हैं, बांगरमऊ शाखा से सीएलआईए हूँ। छोटा सा परिचय है और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य शांतिपुंज हरिद्वार उनका शिष्य हूँ। अपनों से अपनी बात स्वतंत्रता दिवस पर करना चाहता हूँ। आलोक भैया बार बार प्रेरित कर रहे थे कब जाओगे, मैंने कहा तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मोल, पत्ता तक हिलता नहीं खेले न कोई फूल। उनकी कृपा होगी तो मंच पर चला जाऊंगा, मैंने निवेदन कर लिया है। इसलिए अभी हमारे पूर्व में जो वक्ता आए थे एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बहुत अच्छी बात कही, दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, बुराई पे अगर आ जाए तो हर इंसान बुरा है। इसलिए मेरे देश के जवानों, हिंदू और मुसलमानों, ये एकता न टूटे हर धर्म के जवानों। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो राष्ट्र की एकता अखंडता है, तमाम लोग आते हैं तोड़ने के लिए, लेकिन हमको परमात्मा ने सद्बुद्धि दी है, हम सोचे समझे क्या हमको सही करना है क्या हमको गलत करना है। आज 72वां हमारा स्वतंत्रता दिवस राष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अपनों से अपनी बात चंद पंक्तियों में कहूंगा, समय की हमारे पास बहुत शॉर्टेज है, समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए मित्रों आज का जो समय है, माजी देवबंदी के शब्दों में, हिंदू धर्म से नफरत करना, हिंदू धर्म से नफरत करना यह इस्लाम नहीं कहता, और मंदिर के मस्जिद के दरवाजे तोड़ो कोई राम नहीं कहता। इसलिए हमको आपको एक होकर के रहना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ अपने राष्ट्र के लिए, मैं उन्नाव जिले से आता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि हम चंद्रशेखर आजाद के जनपद से आते हैं, कहीं ना कहीं वो उन्नाव का पानी हम लोगों के अंदर रहता है। इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि मेरी तकदीर के खातिर मेरी पहचान लिख देना, हमारे जिस्म के हर टुकड़े पर हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मस्जिद भी प्यारी है, मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है, मुझे मंदिर भी प्यारा है, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। समय की अपनी सीमाएं, पुनः फिर अपनी बात कहता हूँ, एक चंद पंक्तियां कहकर के बात समाप्त करूंगा, क्योंकि 5 मिनट का समय है। समय की अपनी सीमाएं होती हैं, उन समय को हमें समय को रोक नहीं सकता, इसलिए अपनी पंक्ति कहता हूँ। अभी आपके सामने बहुत बड़े बड़े वक्ता आएंगे, हमारे सिख भाई के कुछ भाई दिखाई पड़ रहे हैं, हम इनकी पगड़ी को गुरुद्वारा समझ कर प्रणाम करते हैं, इसलिए क्योंकि भारत आज अगर स्वतंत्र है, देन तो सबकी है, लेकिन जो दर्द हमारे पंजाब ने झेला है वो किसी ने नहीं झेला। इसलिए जोरदार से हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सिख भाइयों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जो बड़ा त्याग रहा है, चाहे वो हमारे गुरु गोविंद सिंह रहे हो, तेग बहादुर जी रहे हो, समस्त जो हमारे सेनानी रहे हैं, जो हमारे जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं, इसलिए हमारा रास्ता सर्वोपरि है। हम आ जाते हैं, हम इस जात के हैं, इस धर्म के हैं, राष्ट्रगान होता है, हम खड़े नहीं होते, इसलिए हम साहब इसलिए नहीं खड़े होते कि साहब ये हम नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन पहले रास्ता है, राष्ट्र परमो धर्म पहले रास्ता है, पहले हिंदुस्तान है, पहले भारत है, तब हम बाद में आते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए अपनी बात कहना चाहता हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से। मसाला तो बहुत है,
लेकिन समय कम है, फिर भी 5 मिनट में अपनी बात कहता हूँ। कितना समय दिला कि जागेगा इंसान, जमाना देखेगा, राष्ट्र परम वैभव की ओर जाएगा। कोई रोक नहीं सकता हिंदुस्तान को परम वैभव की ओर जाने से, क्योंकि यह हिंदुस्तान ऋषियों का देश है, मनीषियों का देश है, तपस्वियों का देश है, त्यागियों का देश है, बलिदानियों का देश है, मनुष्यों का देश है। ये वो हिंदुस्तान है जिसकी तरफ पूरा विश्व आज मुंह बाए खड़ा हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, आने वाले समय में परेशान मत हो, क्या होगा देखो। कि जागेगा इंसान, जमाना देखेगा, तालियों के साथ आप लोग साथ दे मेरा, एक लय से ताली बजाए। कि जागेगा इंसान, जमाना देखेगा, जागेगा मिलजुल कर हो
होंगे सारे खुशियों के मेले, मिलजुल कर होंगे सारे खुशियों के मेले, कोई ना रो पाएगा जग में अकेले, कोई ना रो पाएगा जग में अकेले। जाएगा देश हमारा मेरे साथी ने, जाएगा देश हमारा मेरे साथी ने, आंखों में कल का नजारा मेरे साथी ने, आंखों में कल का नजारा मेरे साथी ने। कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा, कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा और जागेगा, जागेगा वे भारत माता। अगर लगा हो आपको कि नहीं साहब कल का हिंदुस्तान है, तो एक बार भारत माता के नाम से जोरदार तालियों का उनको। देखिए मित्रों, जहां पर उमंग होती है, राष्ट्र के प्रति उत्साह होता है, हम लोग अभी आ रहे थे, जैसे राष्ट्र ध्वज होने लगा एक जगह पर, हमारे भारत के प्रधानमंत्री करने लगे, आत्म में प्रेमाश्रु थे, न जाने कितने शहीदों ने इस दिन को देखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, कितनी माओं की गोदे सुनी हुई, कितने कितने भाई बहनों के पति गए, पति चले गए, मां का सिंदूर चला गया, वो इसलिए मैंने गाड़ी एक तरफ रोकी, मेरे साथ में मेरे 3 एजेंट थे जो क्वालिफाई किए हैं, वो आए हैं, मैंने रोका, मैंने कहा राष्ट्र पर्व से बढ़ करके कोई पर्व नहीं होता, तिरंगे से बढ़ करके कोई इज्जत नहीं होती, आन बान शान नहीं होती, राष्ट्र का पर्व है। इसलिए 2 मिनट की एक कथानक अगर एसडीएम साहब चाहे तो, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। मित्रों, जापान की एक घटना शेयर करना चाहता हूँ। जापान छोटा सा राष्ट्र है, आज कितना विकास कर रहा है, हर जगह पर मेड इन जापान, मेड इन जापान, मेड इन जापान, दुर्भाग्य हमारा है, उसके ऊपर न जाने क्या क्या आघात हुए, लेकिन वो सब आगे आ जाते हैं। एक चोर था, चोरी करके भाग रहा था, पुलिस पीछा कर रही थी, आंखों से ओझल हो गया, दीवार कूदता हुआ, रोड क्रॉस करता हुआ, इस गलिया से उस गले से पुलिस पीछा कर रही थी, लेकिन आंखों से ओझल हो गया, कूदा तो एक जगह पर एक विद्यालय में राष्ट्रगान चल रहा था, वो जाकर के खड़ा हो गया, शर्ट पीली थी, पुलिस ने देखा, बोला नहीं यही व्यक्ति है, जैसे राष्ट्रगान खत्म हुआ उसको पकड़ा, किनारे ले गए, तुम भाग सकते थे, तुम्हारे पास समय था भागने के लिए, मेरी पकड़ से तुम दूर हो गए थे, तुम भागे क्यों नहीं, पता उसने क्या उत्तर दिया, मेरे राष्ट्र का अपमान हो जाता, मेरे झंडे का अपमान हो जाता, राष्ट्रगान चल रहा था, इसलिए मित्रों उसने कहा मैं भाग नहीं सकता, मैं फांसी के फंदे पर तो झूल सकता हूं, लेकिन राष्ट्र का मैं अपमान नहीं कर सकता, ये होना चाहिए त्याग और बलिदान, जैसा मुझे करना है तब जाकर के बात बनेगी। तो 2 पंक्तियां निकल करके आती हैं और वो कहकर के ही बात समाप्त करूंगा, क्योंकि सर से मैंने 2 मिनट की ली है। जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है, इसलिए शहीदों की चिताओं पर लगेगी हर बरस मेले, जो 9 जनपद की लिखी हुई पंक्तियां हैं। किसने लिखी ये पंक्तियां? हमारे कवि हुए हैं, उन्होंने लिखी है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, गंगमुरादाबाद के कवि हैं मित्रों, उन्होंने पंक्तियां लिखी, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बात के निशा होगा, अरे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
मित्रों यहीं से अपनी बात को समाप्त करूंगा और मैं पुनः फिर निवेदन करूंगा कि कभी भी अवसर मिलेगा तो मैं फिर पुनः आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगर किसी को मेरी कुछ बात गलत लगी हो तो वो मेरा व्यक्तिगत दोष हो सकता है, और अगर कुछ अच्छा हो तो मेरे गुरु को, मेरे परमात्मा को धन्यवाद देना, क्योंकि क्रेडिट उसको जानी चाहिए और अपय स्वयं आना चाहिए। इसलिए जो कुछ भी बोला है उनकी कृपा से बोला है। इसलिए एक बार भारत माता की जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सांस्कृतिक विरासत की एक परंपरा होती है जिसको हम लोग नुक्कड़ नाटक कहते हैं। मैं कोहले में 25 लोग 30 लोग, लेकिन वो 25-30 लोग सुनते हैं। मुझे लगता है मुकेश जी ने कभी न कभी नुक्कड़ नाटक में या नुक्कड़ में इस तरह का कुछ कार्यक्रम किया होगा, और ये जोश, ये जज्बा जो है, यही जज्बा हम निगम की प्रगति को भी चाहेंगे। इसी जज्बे से अगर काम करते रहेंगे तो मुझे दूर नहीं एक बार फिर से हम आशीर्वाद हो जाएंगे। अब मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जो भी बच्चे यहाँ पर थे पर हैं, उन्होंने अपना कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत कर लिया।